रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बोधघाट विद्युत परियोजना में बैकफुट पर आने पर कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा बोधघाट के नाम पर बस्तर के जनमानस को छला है, जब इस परियोजना से लगभग 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने सर्वे प्रारंभ करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि अब तब सर्वे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में भी किया था। जब विधानसभा के अंदर बातें आई, उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई कि आप बोधघाट परियोजना पानी देने की बात तो छोड़ दीजिए, आप उसका DPR बना करके दिखा दीजिए। तब रविन चौबे जी ने कहा कि हाँ, हम बना करके दिखाएंगे। मैं रविन चौबे जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका DPR कहाँ है। मुख्यमंत्री इसमें पलटी मार रहे हैं कि वनवासियों की अब बात करते हैं कि वहाँ के लोगों की बात करते हैं। तो जब वहाँ के लोगों की बात करते हैं तो दहाड़ के विधानसभा में आपने बातें कही, वो कहाँ है आज? डॉक्टर रमन सिंह ने तो पहले ही कहा था कि पानी की बात कर रहे हैं, DPR, अब DPR भी नहीं, प्रारंभिक जो सर्वे होना चाहिए, ये सरकार सर्वे कराने में भी असफल रही है।